महाराष्ट्र के सोयाबीन किसान परेशान हैं। उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के रिकॉर्ड स्तर पर दाम पहुंचने के बाद सोयाबीन की कीमतें अचानक टूट गई हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में सोयाबीन खरीफ सीजन की दूसरी सबसे बड़ी फसल है। पिछले साल कम उपज और उचित दाम नहीं मिलने के कारण किसान पहले से परेशान थे। इस बार अच्छी बारिश और कटाई से पहले उच्च स्तर पर पहुंचे दाम से किसानों की उम्मीद जगी थी। वे इंतजार में थे कि कुछ दिनों तक सोयाबीन की कीमत 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास बनी रहे, ताकि मेहनत और खर्च छांटकर अच्छी आमदनी हो जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। वर्तमान में सोयाबीन की कीमत प्रति क्विंटल 9,000 से 10,000 रुपये के बीच में घूमती दिखाई दी थी, लेकिन अब वो घटकर 6,000 के नीचे लुढ़क चुकी है। सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3950 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। व्यापारियों का मानना है कि सोया मील आयात करने के सरकार के फैसले के कारण दामों में अचानक गिरावट दर्ज की गई है। आगे भी कीमतों में फिलहाल कमी का ही अंदेशा लगाया गया है। इस बार खरीफ सीजन में किसानों ने सोयाबीन का रकबा बढ़ा दिया था, इसी कारण से सोयाबीन बीज की मांग काफी बढ़ गई थी और दाम लगभग दोगुना हो गए थे। अब कटाई से ठीक पहले कीमतों में इतनी भारी गिरावट से हर कोई चकित है। वहीं शेतकरी संगठन के अध्यक्ष का मानना है कि यह सामान्य धारणा है कि 12,00,000 टन सोया मील के आयात के हालिया फैसले के कारण कीमतों में गिरावट आई है। पोल्ट्री में चारा के रूप में इस्तेमाल होने वाले सोया मील की मांग इससे कहीं ज्यादा है। यह एक महीने पुराना फैसला है और इसका असर तब दिखा जब सोयाबीन के दाम 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास पहुंच गए थे। वहीं सूत्रों का मानना है कि इस समय जो उपज आ रही है उसमें नमी की मात्रा बहुत ज्यादा है। दामों में गिरावट के पीछे ये भी एक मेन कारण है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कृत्रिम तरीके से दामों को कम किया गया है। कई जगह तो स्थिति ये है कि MSP से भी कम दाम पर सोयाबीन की खरीद हो रही है। फिलहाल जानकारों की माने तो सोयाबीन की कीमतों में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही और माना जा रहा है कि भाव आने वाले समय में 5,000 से 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के बीच बने रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।